Hello, Janta. Welcome back. Welcome to Vedantu Z channel. I welcome you all once again in this session, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसी सिचुएशन के बारे में, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो जनरली मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेशन के दौरान, सेशन के कमेंट्स बॉक्स में या टेलीग्राम पे और जनरली वे प्लेटफॉर्म पे भी मुझसे पूछते हैं। और अब क्योंकि JEE 2022 का एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो JEE 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब ये सवाल और रेलेवेंट होता चला जा रहा है कि सर मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मुझे किस तरीके से अपने टारगेट्स को सेट करना चाहिए आगे वाले आने वाले, मान लेते हैं जितने भी दिन अवेलेबल हैं, एटलीस्ट 50 days 45 days तो अवेलेबल हैं ही, ऐसा मान के चल सकते हैं। उसके अलावा मुझे मेरा टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए एंड क्या मुझे रिवीजन के लिए कोई स्ट्रैटेजी अभी बनानी चाहिए, उसके बारे में बाद में सोचना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही हैं, इसीलिए वी आर ट्राइंग टू कम अप विद एज मेनी ऑफ द सॉल्यूशंस एज पॉसिबल ऑन दिस चैनल बाय द एंटायर टीम एज अ होल। ओके गाइस, तो आज भी हम लोग बात करेंगे और एज ऑलवेज, एज आई ऑलवेज डू, आई ट्राई टू कीप माई सेशंस जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिकल, उतना ज्यादा टैंजिबल, उतना ज्यादा रियलिस्टिक। और इसीलिए आज के सेशन का टाइटल भी है मोस्ट रियलिस्टिक स्टडी प्लान व्हिच 2022 एस्पिरेंट्स विल डेफिनेटली फाइंड यूजफुल। और 2023 यानी कि 11th स्टैंडर्ड की जनता भी अगर देख रही है तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें फ्यूचर में काम आ सकती है, तो तुम डेफिनेटली एज अ टिप्स उसे देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनता विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को। एज मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू दैट, विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प, टैंजिबल एंड यस प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। ओके, तो before I go any further, let me quickly introduce myself to students who are going to be watching this channel for the first time. This is me guys, this is your Suri sir, I'm BTech from IIT Bombay. On this channel pe mere students mujhe Mogambo aur khud ko Mogambians kehlate hain, because when you guys will be cracking the examination of JEE, Mogambo khush hoga. Okay, to agar channel pe naye ho to definitely subscribe kar lena, bell icon ko press kar lena, so that whenever I am coming up with any video on the channel or anyone else, all the videos you get the notification for. Okay, so bachcho, before I start the session, ek bahut chota sa teaser hai jo bas dikhana chahta hu. Yes, a big announcement is happening on 26th of December. To agar ye tum video 25th ko hi dekh rahe ho ya 26th ko dekh rahe ho, to ye tumhare liye bahut important relevant news hai. JEE ke jitne bhi aspirants hain, kuch bhi bataunga nahi iske bare mein, sach kahun to mujhe bahut kuch iske bare mein pata bhi nahi hai. पर हाँ 26th ऑफ दिसंबर को, जी हाँ, चैनल पे कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, ट्यून्ड रहना। चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखना और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो ताकि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए व्हेन एंड व्हाट इज दैट बिग अनाउंसमेंट दैट इज हैपनिंग। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मुझे सच में पता भी नहीं है, और पता होता भी तो मुझे बोलने की इस समय परमिशन नहीं है। ओके, तो चलो जनता स्टार्ट करते हैं। 2022 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली उन जनता के साथ में जिनके साथ तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, उनके साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और बिफोर आई इवन गो टू एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, टारगेट्स भी बताऊंगा, टाइम टेबल भी बताऊंगा, रिविजन प्लान भी बताऊंगा कि कैसे तुम्हें रिवाइज करने के बारे में सोचना चाहिए, पर पहले जो तुम्हें जानना चाहिए ना, ओके, वो ये बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना स्टेज वन और स्टेज टू सेट कर रखा होगा, दे माइट बी राइट नाउ इन द रिवीजन फेज ऑलरेडी। हाँ, कुछ ऐसी जनता होगी जिन लोगों का अब रिवीजन फेज चल रहा होगा, विच इज वी कैन से कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑन राइट ट्रैक हैं, तो हाँ प्रिसाइसली बाय डिसंबर चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या जेईई का एग्जामिनेशन हो, अब रिविजन वाला फेज आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुम यहां नहीं पहुंचे हो और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें लास्ट मोमेंट में बिफोर यू गो टू द रिविजन फेज तुम्हें टाइम टेबल की जरूरत है, तो लास्ट 50 डेज में तुम्हें रिविजन के साथ में और भी चीजें कवर अप करने के लिए जो टाइम टेबल चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, अगर तुम अभी भी थोड़े से डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो या अदर ओवरवेल फील कर रहे हो, तो तुम्हें टाइम टेबल के साथ पहले टारगेट भी सेट करके हम लोग देते हैं, ठीक है, विच मीन्स वॉट, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा टारगेट्स को सेट करने की, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, और एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होगी मेरे सेशंस में जो हमेशा होती है, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ व्हेन यू आर सेटिंग द टारगेट, व्हेन यू आर मेकिंग द टाइम टेबल, फॉलोइंग द टाइम टेबल, और व्हेन यू आर मेकिंग एनी ऑफ द प्लान्स इंक्लूडिंग द रिवीजन प्लान, ठीक है जनता। तो
इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सब चीजें सेंसिबल तब लगती हैं जब हम एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इस साल 2021 में जब जेई का एग्जामिनेशन हुआ, तो ओवरऑल जो एनालिसिस है, जेई मेन की बात कर रहा हूं, तो जेई मेन 2021 का जो एनालिसिस है उसकी रेलेवेंस को अगर ध्यान में रखा जाए ना बच्चों, तो 90% प्लस वही जो असली में गेम है, जहां पे we can say that the real competition is look at the number of marks that you need to be in. मतलब out of 300 at least 1/3 score को तो target रखना ही चाहिए, उसके ऊपर की चीजें जो हैं तुम देखोगे कि marks का variation जो है वो अच्छा खासा है, पर जैसे जैसे हम top percentile में आ जाते हैं, 99 के bracket को देखो, 200 marks के ऊपर, मतलब if you are getting 2/3 marks you are already in the 99 percentile club. लेकिन वहां से ऊपर की जर्नी देखो, कितने ज्यादा मार्क्स के वेरिएशन में कितनी कम परसेंटाइल का मूवमेंट है, व्हाइल यू सी 200 से 100, एक 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे 110 परसेंटाइल मूव हो रही है, और उसके बाद में अच्छे खासे मार्क्स के डिफरेंसेस के बावजूद परसेंटाइल डेसिमल्स में मूव होती है। तो सच इज द गेम ऑफ जेई एग्जामिनेशन। तुम्हारे लिए क्या रेलेवेंट होगा आउट ऑफ दिस डेटा, ये अभी तुम्हें टारगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगा, लेकिन इस पूरे टेबल से ये बात समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टॉप 10 परसेंटाइल का मतलब है, अगर जेई का एग्जामिनेशन अराउंड 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स देने वाले हैं बच्चों, तो 10 परसेंटाइल तो इजीली 1,20,000-30,000 हो ही जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 2 लाख स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई होने वाले हैं, तो 85 परसेंटाइल से ऊपर के स्टूडेंट्स ही जेई के एग्जामिनेशन के रियल कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो एज अ सेंसिबल कैंडिडेट, एज अ सेंसिबल जेई एस्पिरेंट, मेरा टारगेट कम से कम ये वाला ब्रैकेट तो होना ही चाहिए, पर हम जो हमारे लिए टारगेट सेट करेंगे वो इससे ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऑब्वियसली इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम टारगेट ही नीचे रखते हैं तो उससे कम आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। दे से दैट एम फॉर द स्काई सो दैट यू एटलीस्ट रीच टू द मून, राइट एवरीवन। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो जितना हम अचीव कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा रखें ताकि हम एफर्ट्स अकॉर्डिंगली मारें, ठीक है जनता। यस, सो एवरीवन आगे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन अबाउट व्हाट इज माय टारगेट। तो जब हम टारगेट की बात कर रहे हैं तो मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया है। दैट कैटेगरीज आर गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन द टारगेट व्हिच यू आर गोइंग टू सेट एज पर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल क्या है उसके बेसिस पे ही हम बात करेंगे कि तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगेन सेइंग दिस इज रियलिस्टिक, ठीक है। मतलब ये कि अगर मेरा प्रिपरेशन का लेवल अच्छा खासा है, मैं ऑलरेडी रिवीजन फेज में हूं, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अब तक 12 स्टैंडर्ड के ही एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहा था, कर रही थी, या मैंने 12 स्टैंडर्ड के मिड में आके रियलाइज किया कि यार अब 12th खत्म हो जाएगा, तो मुझे कुछ आगे के बारे में भी सीरियसली सोचना चाहिए, तो मेरा रियलिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए। एंड थर्ड वन की मैंने सेकेंड वन इन बिटवीन इज जो कि 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं है अपनी प्रेपरेशन को लेकर के, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही प्रेपरेशन नहीं की थी, समवेयर बीच में अटके हुए हैं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है एवरीवन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो 3 कैटेगरीज हम लोगों ने डिसाइड की है, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो जो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स होंगे या टाइप 1 स्टूडेंट्स होंगे, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट एज ऑफ नाउ जेई 1 के पहले अटेम्प्ट में जेई 1 को क्लियर करना है। दैट मींस व्हाट, मेरा जेई मेन से जेई एडवांस लिखना तय हो जाए, फिक्स हो जाए, वो लाने के लिए भी मैंने जो टारगेट सेट किया है तुम्हारे लिए या तुम्हें खुद सेट करना चाहिए अपने लिए, वो 120 तो मिनिमम होना ही चाहिए। ये मिनिमम टारगेट है जो हम लोग रख रहे हैं। 120 से ज्यादा लाओगे तो डेफिनेटली अच्छी बात है, पर मिनिमम 120 तुम्हें टारगेट करना चाहिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली अभी तक शायद थॉट ही नहीं दिया था जेई प्रेप करने के बारे में, शायद से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर 11th और 12th स्टैंडर्ड तक उतना सीरियसली प्रिपेयर कर नहीं पाए, अब जाकर के लग रहा है कि यार सच में कुछ मेहनत करने की जरूरत है। तो उनके लिए रियलिस्टिक टारगेट ऑब्वियसली अभी बहुत बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल भी हो और उससे बेनिफिट भी हो हमें, ठीक है जनता। सेकेंड जनता वो है जिन्होंने डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन अभी भी आईआईटी बहुत रियलिस्टिक ड्रीम में नहीं आया है, जो शायद से एक कदम आगे बढ़ाना चाहेंगे, एकलव्य भाषण लगाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये वो जनता है जो डेफिनेटली एनआईटीज तो अच्छे रीच में रखना चाहती है। तो ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज अबव एवरेज और एवरेज टू अबव एवरेज।
तो इनका टारगेट जो है वो एटलीस्ट 180 या 180 से थोड़ा ज्यादा 180 से 200 का टारगेट हम पकड़ के रखते हैं आउट ऑफ 300 इन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए. सो ऑब्वियसली व्हेन आई एम टेलिंग यू दीस टारगेट्स यू हैव टू जज योर ओन लेवल ऑफ प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ वेयर डू यू स्टैंड एंड इन नेक्स्ट कमिंग 40-50 डेज तुम कितना अचीव कर पाओगे उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है जनता. थर्ड वन इज द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल वन. ये वो है जिन्होंने पिछले 2 साल में अच्छी खासी मेहनत भी की है और सही डायरेक्शन में की है, कंसिस्टेंटली की है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको डेफिनेटली ये तो बताएगी यार मेरा स्कोर 200 प्लस तो आना ही चाहिए. प्रोबेबली यू नो वेयर एवर दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम ये वहां के टॉप 10% स्टूडेंट्स में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उस इंस्टीट्यूट के. तो डेफिनेटली 230 से ज्यादा का स्कोर टारगेट करना बनता है इन स्टूडेंट्स के लिए. ये वो है जो जेईई मेन डेफिनेटली अच्छे से निकालेंगे भी. और एडवाइस है तुम लोगों को कि एकलव्य बैच में डेफिनेटली अप्लाई करना, आ भी जाना और फिर उसके बाद में एक कदम ऑलरेडी आईआईटीज की तरफ हो जाएगा. तो पहले ही अटेम्प्ट के बाद में हमारा फोकस ये एडवांस हो जाएगा. ये वो स्टूडेंट्स हैं. ठीक है जनता. टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तुम कहां हो ये तुम्हें आगे जाने से पहले यानी कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले तुम्हें खुद अपने आप को ये एनसर्कल कर लेना चाहिए कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं या मैं यहां हूं. ठीक है, कर लिया है अपने आप से. पेन और पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इट शुड बी अ मेंटल कैलकुलेशन, मेंटली डन बाय योरसेल्फ. अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत करना, लेकिन अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी मत करना, रियलिस्टिक रखना. इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में भी कि ये सेशन हेल्पफुल तब है जब तुम खुद अपने आप से ऑनेस्ट रह के इस वीडियो को देख रहे हो और आगे इसका एनालिसिस भी कर रहे हो, और इसीलिए वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है जनता. तो ये तो बात हो गई हमारा टारगेट होना क्या चाहिए. ठीक है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे पढ़ना क्या क्या चाहिए. भाई फंडामेंटली इट विल कम डाउन टू व्हाट यू आर इवेंचुअली गोइंग टू डू इन द एग्जामिनेशन. और एग्जामिनेशन में आप क्या कर रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं पीसीएम में क्या करके आ रहा हूँ. और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैं टिल द टाइम आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन मैं तब तक प्रिपेयर क्या करना चाह रहा हूँ और क्या करना चाहिए. वॉट शुड बी द स्टडी प्लान for achieving the target which I am setting for myself. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ subject के point of view से नहीं बताऊंगा, एक generic point से बता रहा हूँ कि तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए when you are going to create your study plan. अगर तुम micro level पे जानना चाहते हो कि physics में क्या करना चाहिए, chemistry में क्या करना चाहिए और maths में क्या करना चाहिए, तो we have already done those videos जहाँ पे तुम्हें most scoring chapters topic and subtopic level पे PCM में हम लोगों ने किए हुए हैं, playlist में वो भी available है. ओके जनता, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कैटेगरी 1, 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले टाइप 1 स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं. टाइप 1 स्टूडेंट जिनका टारगेट है मिनिमम 120 मार्क्स, इन स्टूडेंट्स को 120 मार्क्स अगर लाने हैं तो सबसे पहले बता दूं 30 से 35 क्वेश्चंस ही तुम्हारा टारगेट है. दो देयर आर 90 क्वेश्चंस इन द पेपर, मैंने तो फिर भी यहां 75 लिखा है. आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस दैट यू कैन अटेम्प्ट, प्रैक्टिकली बोलूं तो 90 क्वेश्चंस हैं जिसमें से तुम्हें 30 से 35 क्वेश्चंस फिगर आउट करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के. तुम जितने भी मॉक टेस्ट देने वाले हो उन सब में ये चीज का ध्यान रखते हुए ही प्रैक्टिस करते हुए जाना है. तो इतने क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाएगा एग्जामिनेशन में करेक्टली, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे नेगेटिव मार्किंग को ऑब्वियसली कम से कम रखते हुए. तो तुम्हें ये अचीव करने के लिए जो इजिएस्ट चैप्टर है तुम्हें जो इजिएस्ट लगते हैं definitely you have to create a list of your own easy, mediocre and difficult chapters. बहुत ज़्यादा chapters नहीं होंगे जो तुम्हारे easy list में होंगे, पर बहुत ज़्यादा chapters difficult zone में भी नहीं होने चाहिए. मतलब ये I should say कि एक decent number of chapters तुम्हारे easy और mediocre zone में आने चाहिए, जहाँ से तुम इतना preparation कर पाओ पहले जेई attempt में कि तुम 30 से 35 questions तक target कर सको. Then I can say that you are actually putting efforts. नहीं है तो तुम्हें put up करने पड़ेंगे अपने efforts so that you will be able to bring as many chapters as possible in the easy category for you. अगर तुम्हें थोड़ी सी help चाहिए तो we have already told you in a session मैंने physics में, chemistry में हर्ष सर ने और maths में कालिया सर ने तुम्हें बताया हुआ है कि easy के लिए और short short topics क्या होते हैं और क्या रहते हैं हमेशा physics के में, chemistry में और mathematics में. उन videos को देखो, playlist section में जाओ और उन videos को देख करके अपने उन टॉपिक्स को डेफिनेटली पक्का कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यूज लगाओ, सो दैट दिस 120 मार्क्स का जो हमारा टारगेट है वो अचीवेबल बन जाए. ठीक है जनता. देन कम्स द टाइप 2 स्टूडेंट्स. अब टाइप 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सबसे पहले तो टारगेट क्या है.
अगर हमने 180 180 प्लस टारगेट लिया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो 45 से 50 क्वेश्चंस अगर हमने करेक्ट कर लिए ठीक है तो हम आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं पीसीएम में ला करके। उसके लिए तुम्हें इजी प्लस मॉडरेट लेवल ऑफ चैप्टर्स तक जाना पड़ेगा। व्हेन आई से मॉडरेट लेवल चैप्टर्स, इजी तो डेफिनेटली तुम करोगे ही, इसके लिए तुम उस कैटेगरी में आए हो टाइप टू में, लेकिन तुम्हें मॉडरेट लेवल चैप्टर्स को भी अपना स्ट्रेंथ बना के रखना होगा ठीक है। तो अब जो टाइम अवेलेबल है उसमें अपने मॉडरेट चैप्टर्स पे थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाओ, उस पे अपना थोड़ा होल्ड लेकर के आओ बाय सॉल्विंग एज मेनी प्रॉब्लम्स, गुड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दोस चैप्टर्स, उन्हें ढूंढ ढूंढ के कवर अप करने की कोशिश करो ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली तुम्हें इजी के और शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स तो करने ही हैं। अगर यहाँ कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे मीडियोकर जोन में आते हैं, तुम्हें वो मॉडरेट लगते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली पहले पिकअप करो, वहां से पहले थ्योरी पढ़ो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, पीवाईक्यूज लगाओ, सो दैट दोस चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है हमेशा, उनमें कोई भी चैप्टर ऐसा ना छूट जाए जो हमें पता था और फिर भी हम प्रिपेयर ना कर पाए ठीक है। सो दीज आर सिक्योरिंग देयर जेईई मेन टू जेईई एडवांस सिलेक्शन, सिक्योरिंग देयर एनआईटी गुड एनआईटी सिलेक्शन, एंड देन कम्स द पीपल, फॉर देम देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन से इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ द टिप। टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये जरूर कहूंगा कि हाँ, अगर तुम्हें 230 से ज्यादा का स्कोर लेके आना है तो 60 से 65 क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट एंटायर पेपर इज देयर फॉर यू टू टारगेट। तुम ऑब्वियसली उस टाइप के बच्चे हो जिसको पूरा पेपर डेफिनेटली करना भी और करना चाहते भी हो, तो मिनिमम 60-65 क्वेश्चंस करेक्ट करके आना ही है तुम्हें। उसके लिए तुम्हें ज्यादा अब जो टाइम है लास्ट का जो फाइनल लैप है उसमें एक्स्ट्रा टेंशन देना होगा। अपार्ट फ्रॉम इजी मॉडरेट, तुम्हें डिफिकल्ट चैप्टर्स पे अपनी पकड़ बनानी होगी, तुम्हें भी वही सारी चीजें करनी होगी, उनकी थियरी स्ट्रॉन्ग रखो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो और पीवाईक्यूज लगाओ ठीक है जनता। एंड यस, तुम्हें इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल ऑफ चैप्टर्स को करना भी है। और सजेशन ये रहेगा कि जेईई मेन पहला अटेम्प्ट जब भी होता है, अभी बात करूंगा उसके बारे में भी, जब भी वो अटेम्प्ट होता है उसमें अपना जो टारगेट परसेंटाइल है 99 परसेंटाइल जो तुम टारगेट कर रहे हो, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लेके आओ, गेट इनटू द एकलव्य बैच व्हिच विल बी फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर दैट ओके। और उस बैच में आने पर तुम्हारी आधी टेंशंस खत्म भी हो जाएंगी, तुम्हें जेईई मेन 2 पे उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज यू विल ऑलरेडी बी 99 परसेंटाइल ऑफ जेईई मेन, तो तुम जेईई एडवांस पे फोकस कर पाओगे। दैट्स योर सिंपलेस्ट प्लान ऑफ एक्शन ठीक है। सो एनीवे यू आर मेंटली इन अ वेरी गुड स्पेस, तुम्हारा हेड स्पेस अभी अच्छा है, उसे वैसा ही रखना, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हुए चलना, ये एक्चुअली वैलिड है सारे स्टूडेंट्स के लिए इरिस्पेक्टिव वो किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेशन ठीक है जनता। सो आई होप सबको अपने टारगेट्स क्लियर हो गए, 120, 180 and 230, दैट्स द मिनिमम टारगेट, क्या पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में करके आने हैं, ये सब क्लियर हो चुका है ठीक है जनता। अब आते हैं कि ये सब तो सर आपने बता दिया, मुझे ये भी मालूम है कि मुझे करना क्या है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं टाइम कहाँ से निकालूं। तो मैं अभी बता देता हूँ, चाहे तुम्हारे स्कूल चल रहे हो, चाहे तुम्हारे स्कूल ना चल रहे हो, चाहे तुम रिपीट कर रहे हो, वॉट एवर बी द सिचुएशन, ये है तुम्हारा स्टडी प्लान। अब तुम्हें ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और अभी भी तुम्हारा स्कूल चल रहा है, तो तुम्हें सच में अब क्योंकि टर्म वन अभी अभी खत्म हो गया है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को फिर से वापस से थोड़ा सा बैक सीट पे लेने की जरूरत है और तुम्हारा फोकस वापस से जेईई पे आना चाहिए। सो लेट मी टेल यू, दिस इज बेसिकली अ स्टडी रूटीन ऑफ 10 आवर्स अ डे मिनिमम है, इतना तो करना ही है। और उसमें भी ये जो मॉर्निंग और नून स्लॉट है, ये मैं चाहूंगा कि तुम रिजिडली ऐसा ही रखो। मॉर्निंग 7-12 के बीच में 5 घंटे होते हैं, उसमें से 4 घंटे निकालो। अब तुम 8-12 निकालते हो या तुम 7-9 फिर 10-12 निकालते हो, दैट इज अप टू यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू स्पेयर 4 आवर्स इन मॉर्निंग टाइम 7-12, बताऊंगा क्यों। फिर नून टाइम में भी 2-6 के बीच में, कोई और टाइम एक्स्ट्रा नहीं कम किया है, कुछ भी नहीं किया, ये 2-6 में तुम्हें पढ़ना ही है। नींद आती है तो वो नींद भी तुम यहाँ 12-2 के बीच में निकाल लो। जो भी तुम्हें रेस्ट करना है, तुम्हारा लंच ऑब्वियसली इस दौरान होना चाहिए, तुम्हें रिलैक्स करना है, अपने दोस्तों से बातें करनी है, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा टाइम बिताना है, कोई तुम म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, मूवीज देखना पसंद करते हो, व्हाटएवर भी जो भी तुम्हारी हॉबीज हैं, यहाँ कंप्लीट करो इस 2 घंटे में। 2-6 के बीच में तुम्हें वापस से 4 घंटे के लिए बैठना है, पढ़ना है,
ठीक है, बताऊंगा पढ़ना क्या है। और इवनिंग स्लॉट जो कि 6 से 10 बजे के बीच का है, उसमें तुम्हें बस 2 घंटे निकालने हैं मिनिमम। हाँ, अगर तुम 3 निकालना चाहते हो, 4 निकालना चाहते हो, अप टू यू। तुम इसे 10 से 11 तक लेकर जाना चाहते हो, अगेन अप टू यू। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 10 बजे जब खत्म कर भी रहे होंगे, या 10 बजे के बाद अगर तुम मान लो 11 बजे तक सोते भी हो, तो 11 से 7 के बीच में कम से कम तुम्हें 7 आवर्स की स्लीप मिलनी चाहिए। 7 बजे तो पढ़ने बैठ जाना है तुम्हें प्रॉबेबली, तो 11 बजे भी अगर सोते हो तो 6:30 तक उठोगे, has to be a 7-7.5 hours का स्लीप, वो तुम्हें मिलना जरूरी है। Now, very important everyone, ये जो दो स्लॉट्स मैंने बोले हैं, ये irreplaceable रखना। रीजन भी, जब तुम JEE का एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो JEE के एग्जामिनेशन में या तो तुम्हारा टाइम स्लॉट मॉर्निंग बैठेगा 9:30 to 12:30 वाला, या तुम्हारा आफ्टरनून स्लॉट बैठेगा 2:30 to 5:30, या 3 to 6 भी हो सकता है। अगर तुम किसी एक में हैबिचुअल नहीं हो और वो तुम्हारा टाइम स्लॉट बन गया, जैसे कि मान लो इफ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, अगर तुम जल्दी नहीं उठते हो और तुम्हें मॉर्निंग स्लॉट मिला, तो उस टाइम पे बहुत जल्दी से अपने आप को अडाप्ट कर पाना उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो हमारी बॉडी क्लॉक जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अलाइन नहीं होगी, और शायद हो सकता है हम स्लीपी फील करें एग्जामिनेशन में। सेम वे में हो सकता है कि तुम 2 से 6 के बीच में थोड़ा टाइम ज्यादा रिलैक्स्ड मूड में रह के बिताते हो दिन में, मतलब इस टाइम पे तुम शायद थोड़े से अवे फ्रॉम स्टडीज रहते हो, सो जाते हो, या फिर जनरली दिन के टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करते हो, और ये टाइम स्लॉट में अगर तुम्हारा JEE का एग्जाम आ गया, तो फिर से दिमाग और बॉडी अलाइन नहीं होंगे JEE का एग्जाम लिखने के लिए, तो फिर से तकलीफ आएगी। तो अब अगले जितने भी दिन अवेलेबल हैं, नॉट मोर देन 2 मंथ्स, ये तो श्योरली बोल सकते हैं, तो अपने आप को अब थोड़ा सा यू नो कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं, और ये दो टाइम स्लॉट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यहाँ डेफिनेटली इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इवनिंग टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ताकि तुम यू नो अपनी बॉडी को शट डाउन कर सको और सो सको टाइम पे, ताकि तुम अगले दिन जल्दी उठ सको। ठीक है, अब करना क्या है, पढ़ना क्या है? यू ऑलरेडी नो द लिस्ट ऑफ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स, और तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम्हारे लिए ईजी क्या है, मॉडरेट क्या है, और डिफिकल्ट क्या है। नहीं है तो ये सबसे पहले फिगर आउट कर लेना। ज्यादा टाइम थियरी पढ़ने पर नहीं लगाना है बच्चों। तुम्हें करना क्या है, वॉट यू हैव टू डू, लेट मी टेल यू दैट। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले तो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स तुम्हें जो करने चाहिए, तुम्हारे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए, बेस्ड अपॉन योर इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो थियरी या कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो प्लीज डू नॉट रीड इट बाय योरसेल्फ, खुद से मत करो, ये वन शॉट वीडियोस से देखो। अपने चैनल पे बहुत सारे वन शॉट वीडियोस किए हुए हैं बच्चों, हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है, तो वहां से वन शॉट वीडियोस करो, थियरी वहां से देखो, अगर रेलेवेंट एग्जांपल देखने तो वो भी देखो, वरना आगे बढ़ जाओ, सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू एज मच ऑफ पॉसिबल ऑफ द एक्सरसाइज। व्हेन आई से एक्सरसाइज, आई ऑलवेज टेक तत्व एज द रेफरेंस, क्योंकि तत्व जो है ये वेदांतु कि स्टडी मटेरियल वाली बुकलेट होती है, इसके इक्विवेलेंट जो भी स्टडी मटेरियल तुम सॉल्व करते हो उसको एज अ रेफरेंस ले लेना। अगर तुम कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट हो तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 टच करनी है, अगर तुम कैटेगरी 2 वाले हो तो एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों अच्छे से लगानी है, और अगर तुम कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट हो तो 1 और 2 भी लगाने हैं, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो वो भी सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैं चाहिए एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं भी करोगे तो दैट इज फाइन, करना चाहो तो कर सकते हो, स्पेशली फॉर टाइप 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, पर यहां पे स्टोरी खत्म मत करना, पीवाईक्यू सबको लगाने हैं, JEE मेन के पीवाईक्यूज, एंड प्लीज मेक इट अ हैबिट कि तुम मॉक टेस्ट्स जरूर दोगे इस पूरे फेज में तुम्हें मॉक टेस्ट देते हुए चलना है, ये की टू सक्सेस रहेगी। ठीक है, अभी के फेज में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट अ वीक, 2 मॉक टेस्ट पर वीक देने हैं। ये मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, और हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि जो बच्चा जिस वीडियो में जहां भी देख ले उसको वहां पे इस चीज का बेनिफिट मिल जाए। अगर तुम्हारे दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है तो उनके साथ शेयर करना, ताकि उनको जरूर मालूम पड़े कि व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम। तो टाइम टेबल भी बन गया, टाइम टेबल में करना क्या है वो भी समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू योर एफिनिटी टू सब्जेक्ट PCM इसे करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि यार तुम्हें फिजिक्स पसंद है, मैथ्स पसंद है, केमिस्ट्री छोड़ दी, केमिस्ट्री स्कोरिंग लगती है, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स मैनेज कर लेंगे, मैथ्स नहीं आती, सो छोड़ दी, ऐसा मत करना।
ट्राई टू बैलेंस इट आउट. एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स को तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में लेके आना, स्पेशली टाइप वन और टाइप टू स्टूडेंट्स. टाइप थ्री विल डेफिनेटली नो कि उन्हें तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. टाइप टू वालों को भी एडवाइस है कि किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर मत करते जाना. टाइप वन वाली जनता, तुम फिलहाल फोकस करो 30 से 35 क्वेश्चंस पे कैसे लेके आने हैं. ओके चलो आगे जाते हैं. हाँ भाई, अब ये वाली जो तकलीफ है दिमाग में उसको भी आंसर कर देता हूँ कि भाई जेई का एग्जामिनेशन होने वाला कब है. मुझसे ऑलमोस्ट हर सेशन में, इनफैक्ट मेरे वेदांतु वाले सेशंस में, वेदांतु वे प्लेटफॉर्म वाले सेशंस में, टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये जो सेशंस चलते हैं इनके चैट बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में कंटिन्यूअसली एक सवाल होता ही है. और नॉट ओनली मी, ऑलमोस्ट इंडिया के हर टीचर से इस समय स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि सर जेई का एग्जामिनेशन होने वाला कब है. मैं सच कहूँ तो अभी तो हमें भी नहीं पता, नोबडी नोज दिस. अगर कोई कह रहा है कि एग्जामिनेशन सो एंड सो डेट को होने वाला है तो आई डू नॉट नो कि उनके मिनिस्ट्री में क्या कनेक्ट्स है. गुड दैट दे हैव, बट एटलीस्ट वी आर नॉर्मल कॉमन मैन पीपल, हमें नहीं पता है. हाँ, स्पेक्यूलेशन, अगर मैं स्मार्ट एक स्मार्ट गेसिंग वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अब तक की हिस्ट्री ऑफ जेईई एग्जामिनेशन एटलीस्ट फॉर लास्ट 3-4 years भी देखूं मैं, और पिछले 2 साल को रेफरेंस लूं कोविड सिचुएशन के हिसाब से भी, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट हमें 45 से 50 डेज का टाइम देती है जेईई का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन लाने के बाद जेईई के डेट में. तो अब अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दिसंबर एंड हो चुका है, जेईई का नोटिफिकेशन आया नहीं है. अगर इस वीक में आ भी जाता है तो भी मान के चलो कि 45 टू 50 डेज अगर मिलेंगे तो नॉट बिफोर मिड ऑफ फेब्रुअरी. मतलब ये वाला जो वीक है, आज जिस डेट में ये वीडियो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इस वीक से पहले जेईई का एग्जामिनेशन नहीं होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ जेईई का एग्जामिनेशन होगा, मैं ये कह रहा हूं इस वीक से पहले जेईई का एग्जामिनेशन नहीं होगा. ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड व्हाट वी हैव सीन इन पास्ट इयर्स एज पर द जेईई नोटिफिकेशन, कम से कम 45 टू 50 डेज का टाइम दिया जाता है. तो आज दिसंबर एंड होने आ गया तो पूरे 30 डेज ऑफ जनवरी और रफली 15 डेज ऑफ फरवरी भी पकड़ लेते हैं. तो ये वीक के आसपास कहीं भी जेईई का एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, या तो इसी वीक में या अगले वीक में जेईई का एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए. ठीक है जनता, तो शुड बी समवेयर इन फेब्रुअरी. ठीक है ना, ये समझ में आ गया कि मेरा टारगेट क्या है, ये समझ में आ गया कि मुझे स्टडी प्लान क्या बनाना है, मेरा टाइम टेबल क्या होगा. अब एक गुरु मंत्र और शेयर कर देता हूं कि रिवीजन करते समय क्या करना है. रिवीजन कब करोगे भाई? ऑब्वियसली रिवीजन तब करोगे जब हमें लगेगा कि जितना टारगेट हमने हमारे लिए सेट किया था वो अचीव होने लग गया है. रिवीजन तब किया जाता है जब हमें हमारे टारगेट्स के अचीव होने की एक होप देखने लग जाती है कि हाँ, अब 120 मेरा टारगेट है तो मैं 120 तक पहुंच सकता हूँ, 180 मेरा टारगेट है तो 180 मेरे कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, और यहाँ पे 230 वाला जो सिचुएशन है. तो अब अगर तुम इस फेज में होंगे तो तुम्हें डेफिनेटली रिविजन फेज में आ जाना चाहिए. रिविजन करने के लिए एक तरीका है जो फिर से तुम्हें T=0 यानी कि जहां से तुम शुरू करोगे वहां से अप्लाई करना है. जब कभी भी तुम कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, स्पेशली अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसको देख के तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये जेई लेवल क्वेश्चन है, ये मुझसे डायरेक्टली हुआ या मुझे हेल्प लेके करना पड़ा, उस क्वेश्चन को तुम्हें 3 स्टार मार्क कर देना है. ठीक है, देख रहे हो 3 स्टार. अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लगा जो लगा इंटरेस्टिंग और समझ में आया कि यार ये वाले जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली जेई मेन में तो आ ही सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा चैलेंजिंग नहीं पर समझ में आया कि अच्छा क्वेश्चन है, उसे 2 स्टार मार्क करना. और एक ऐसा जिसको तुम बोल सकते हो कि यार ये तो बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, पर हाँ एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूजुअली एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग 1 स्टार मार्क कर देते हैं. ये हमें बहुत काम आता है जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं. अगर मेरे पास अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है तो मैं 1, 2, और 3 स्टार तीनों तरह की चीजों को रिवाइज करते हुए जाऊंगा. मैं पूरे नोट्स नहीं देखूंगा, मैं पूरे क्वेश्चंस वापस से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्टार मार्किंग के अकॉर्डिंग ही चीजों को रिवाइज करूंगा. अगर मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं सिर्फ 3 स्टार चीजें देख के जाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग थी. अगर मेरे पास डिसेंट टाइम अवेलेबल है तो 2 और 3 स्टार दोनों चीजों को मैं रिवाइज करते हुए चलूंगा, सो दैट आई एम एबल टू रिवाइज इन द गिवन टाइम. और अगर मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो 1, 2, और 3 स्टार तीनों चीजों को रिवाइज करते हुए जाएंगे. और हाँ, कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो स्किप नहीं होगी. दिस इज माई पर्सनल मेथड
जो मैंने मेरे टाइम पे यूज किया था बोथ इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इन जेईई एग्जामिनेशन रिवाइज करने के लिए, आई पर्सनली से कि इससे बेहतर तरीका मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा साल इन्वेस्ट किया था, तो मुझे बहुत इत्मीनान से पता था कि मुझे कहाँ तकलीफ आती है, जहाँ पे मुझे रिवाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ अच्छे क्वेश्चंस मिले थे मुझे सॉल्व करने के लिए, कहाँ अच्छा डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। तो स्टार मार्किंग में मेरा टाइम बहुत सेव होता था। हम लोग एंड में सोचते हैं ना कि यार कोई बस मुझे बता दे क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी कस्टमाइज अगर हो जाए, मुझे मेरे अकॉर्डिंग मालूम पड़ जाए कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, तो ये चीज़ें रिवाइज करने में बहुत काम आती हैं। ठीक है, सो डू टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। और 11th स्टैंडर्ड जनता अगर देख रहे हैं तो ये तो तुम्हें अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एम्फसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट से बेहतर कोई और रिविजन टेक्निक नहीं है। अगर तुम्हारा स्टार मेथड है उसके साथ में जितना हो सके मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अगर हो सके तो ऑल इंडिया लेवल की करो। वेदांतों पे टेस्ट सीरीज मिलती है स्टूडेंट्स को, वो भी तुम कर सकते हो, स्पेशली अगर तुम क्रैश कोर्स का पार्ट हो तो तुम डेफिनेटली ये तुम्हें मिल जाती है। इससे तुम्हें डबल बेनिफिट होता है, एक तो तुम रिवाइज कर रहे होते हो और उसके अलावा तुम्हें ये मालूम पड़ता है कि एग्जाम के लेवल पे तुम कहाँ स्टार्ट करते हो। ठीक है, सो डू टेक एन एडवांटेज ऑफ अ मॉक टेस्ट और अ टेस्ट सीरीज वेयर एवर यू कैन फ्रॉम। ओके, थर्ड वन, व्हेन यू आर डूइंग द रिविजन, ये कैसे रिविजन करना है उसका पार्ट नहीं है, रिविजन करते समय क्या करना जरूरी है। बहुत बार हम जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें वापस से रिकैप्चुलेट होती हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ गलती करते गए हैं, या ये टॉपिक सब टॉपिक में मेरी फ्रीक्वेंटली गलतियां होती रही हैं। अगर तुम रिविजन के दौरान अपने सिली मिस्टेक्स को, अपने उन क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को तुम वापस से करेक्ट नहीं कर रहे हो, रिविजिट नहीं कर रहे हो, जो तुम्हें सच में तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं, तो मे बी यू आर गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक्स इन योर एक्चुअल जेईई एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर While revising, you are working mostly on your mistakes. इसीलिए star method combined with mock tests are going to become the combination where you can actually correct your mistakes. ठीक है चंदा, तो हमने बात कर ली है targets के बारे में, study plan के बारे में, time table के बारे में, और revision कैसे करना चाहिए, किन points पे ध्यान रखते हुए हमें revise करना चाहिए। Keep it as realistic as possible as I've tried to. तुम्हें भी उसको उसी तरीके से करना है। You have to do it by being first of all very honest with yourself. अपने आपको किस type 1, type 2 या type 3 category में तुम देखते हो, वहां से तुम्हारी honesty का सबसे बड़ा I should say test है। और जितना honest रहोगे उतना ज्यादा सही target set करोगे, और जो final result होगा वो भी तुम्हारे expectations के according होगा, कोई बहुत ही अनोखा result नहीं होगा। ठीक है जनता, तो अगर ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है तो definitely apply करोगे। पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा इस समय, ओवरवेलमिंग सिचुएशंस फील हो रही होंगी और लग रहा होगा कि यार दिस इज टू मच टू मैनेज, कितनी सारी चीजें करनी है, कितना कुछ पढ़ना है, जेई के साथ बोर्ड का एग्जामिनेशन भी चल रहा है, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, मेरा तो अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। बहुत अलग अलग तरह के ख्याल इस समय दिमाग में आ रहे होते हैं। सो द ओनली वे यू कैन एक्चुअली गेट ओवर दिस इज बाय टॉकिंग टू समबडी हु इज योर सीनियर, who is your mentor. तो एक तरीका, अगर तुम ये पूरे प्रोसेस को समझ गए हो लेकिन तुम्हें फिर भी लग रहा है कि हार्ड टू मैनेज है, is to be with Vedantu. Vedantu में we are there to take care of all these things. Vedantu का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे along with the master teachers there is a strong back-end team along with that system wave platform जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे चीजें इतनी ऑटोमेटेड मोड में होती हैं कि तुम अपने आप एक फोर्स रूटीन में चले जाते हो। इस फोर्स रूटीन में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम अपने आप को चीजें करते हुए चले जाते हो, नॉट इवन रियलाइजिंग कि मुझसे कितना सारा सिलेबस जो है वो अपने आप होता चला जा रहा है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ रूटीन। ओके, तो उस रूटीन में आने पर तुम्हारे जो भी चैप्टर्स जो तुम्हें करने हैं सीरियसली वो कवर हो जाते हैं, तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो हो जाती है, तुम्हें टाइम पे मॉक टेस्ट देने चाहिए वो तुम्हें देने के लिए मिलते हैं और तुम्हें दिलवाए जाते हैं, और उनका एनालिसिस तुम्हारे साथ शेयर किया जाता है, सो दैट यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस यू आर अंडर द गाइडेंस, कंटिन्यूअसली अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर टीचर्स, जिन्होंने ना सिर्फ खुद ही एग्जाम क्रैक किया है, इतने सालों से वो जेईई के एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, सो दे नो कि पॉसिबली क्या क्या चीजें गलत जा सकती हैं, सो दैट इफ यू आर somehow going in the direction which is not correct, teachers will be there to guide you before you actually make a mistake, you will be corrected so that
you are utilizing this time and you know making the best out of it. So janta, what exactly is this crash course? This is a crash course which began in the beginning of this month, December ke beginning mein hua tha start, aur probably iske entry points ab aur limited ho gaye hain, to isiliye ye one of the few more weeks hain jahan pe tumhe isme entry mil sakti hai. यहाँ हम क्या क्या चीजें करवा रहे हैं, ऑलरेडी पूरा का पूरा जेई का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 10 फुल लेंथ 10 पार्ट टेस्ट कराए जा रहे हैं, उसके अलावा स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट एंड टेस्ट तो मेरे साथ शेयर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट. उसके अलावा यू गेट द एक्सेस टू अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग ऐप ऑफ वेदांतु, देन द टेस्ट सीरीज व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, और जो भी वीडियोस टीचर्स के तुम अटेंड करते हो या नहीं कर पाते हो उनके रिप्लेस और उनके नोट्स तुम्हें मिल जाते हैं. तो एक्चुअल में तो इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो है 10,000 रुपीज. इस कोड के साथ में अब तक ये 9,000 रुपए का है, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो 25th December टू 3rd of January के बीच में, अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस बिटवीन 25th December टू 3rd of January, ये भी तुम्हारा फीस नहीं रहेगा. दिस फीस will be just 8,000 rupees. ठीक है, तो I would say make the best out of it. इस फेज में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, इससे बेहतर ना तो समय है और इससे ज्यादा डिले करोगे तो शायद इतना आगे पहुंच चुके होंगे कि फिर सिलेबस खुद से कंप्लीट करने की कोशिश ज्यादा कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होगा कि यार 100% तो नहीं होगा, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करेंगे. So if you are really serious about the January or February attempt, तो definitely ये वाला जो crash course phase है जिसमें तुम्हें additionally 2,000 off हो रहा है on 10,000 rupees, do take the advantage of this Christmas offer. Link available है description box में, तुम्हें मालूम है. Use this code या तो SM Pro या SMCC दोनों लगा सकते हो, not a problem. Same code है, दोनों मोगाम्बो के ही code है. तो do take this advantage guys. अगर कुछ भी doubt है तो definitely कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो या ज्वाइन करो और क्लास में आओ, क्लास टीचर से पूछो सीधा था. ठीक है जनता, सो डू टेल मी इफ देयर इज एनी अदर डाउट व्हिच इज लेफ्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो. और कोई वीडियो है जो तुम चाहते हो कि तुम्हें तकलीफ दे रही है कोई प्रॉब्लम और तुम चाहते हो मोगाम्बो शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट, डू टेल मी दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स. क्योंकि ये सारे वीडियो जो मैं कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के ही रिक्वेस्ट पे हैं, जो कि उन्होंने मुझसे कहे हैं ग्रुप में. जब स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि सर ये वाला टॉपिक जो है या ये वाली चीज हमें परेशान कर रही है, तो वी ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन वीडियो फॉर दैट. ओके, सो आई होप दैट इट हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू ऑल. अगर खुद से कर रहे हो तो डू ट्राई दिस विद द फुलेस्ट. वेदांतु जेई चैनल इज देयर टू हेल्प यू गाइज आउट. ठीक है, इससे जुड़े हो फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर तुम्हें लगता है कि अफोर्डेबल है तो क्रैश कोर्स लो, ताकि जो बोलते हैं ना कि चांस नहीं लेना चाहिए, तो वो चांस अगर तुम नहीं लेना चाहते हो, यू डोंट वांट टू पुट इट ऑन अ रिस्क, एंड स्पेशली नॉट फॉर यू नो द कोर्स फीस, इफ इट इज अफोर्डेबल टू यू, डू टेक द एडवांटेज ऑफ द क्रैश कोर्स. इस वीडियो में बताई हुई कोई भी बात अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्तों के काम में आ सकती है, तो डेफिनेटली उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना. और अगर तुम्हें किसी भी तरीके से वीडियो किसी हेल्प का लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना. ओके गाइस, सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून, more and more on this channel. Let's hope ki JEE ki dates bahut jaldi aa jate hain. Okay, so as of now this is me, your Mogambo, signing off. Merry Christmas and yes, Happy New Year in advance. Love you all, take care guys, bye bye.